Hey guys, welcome again, welcome back to my channel. आज हम लोग लोनावला में है ना, आपको पता ही है. और अभी हम लोग अभी जा रहे हैं एकवीरा टेम्पल पे. एकवीरा टेम्पल ये पहाड़ के ऊपर है और यहाँ पे एक केव्स भी है. तो पहले टेम्पल का दर्शन करते हैं, उसके बाद केव्स में जाएंगे एक बार. और ये एकवीरा टेम्पल जो है, ये लोग बोलते हैं कि पांडव ने बनाया था एक ही रात में, जब वो लोग वनवास में थे. तो उन लोग मतलब घर और भगवान से दूर थे, तो उन लोगों ने ये बनवाया था एक टेंपल पूजा करने के लिए. और एकवीरा एक ही रात में उन लोगों ने बनाया था. उसके बाद महाराज शिवाजी महाराज ने इस टेंपल को यहाँ पे बनवाया 400 इयर्स पहले. लेकिन जो पहला बिल्ड किया था तो वो पांडव ने किया था, और एक ही रात में उन लोगों ने किया था. तो अभी जाते हैं, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं. सो ये है, हम लोग ऊपर आ गए, बहुत ऊपर आ गए थे गाड़ी से, तो तब वीडियो नहीं बनाया. अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए पहाड़ के कितने ऊपर है. और ये है व्यू, देखो आप, बहुत सुंदर है. देखो आप ये कैसे लोकेशन पे है, देखो आप कैसे लोकेशन पे है. और अभी हम चलते हैं, बहुत ऊपर है, गाड़ी नहीं आ पाए ऊपर तक. तो हम लोग को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा. तो पैदल चल के मंदिर दर्शन करते हैं, और उसके बाद जो केव्स है बहुत पुराना है. मतलब मैंने जब बोला आपको, ये बहुत बहुत पुराना है, पांडव के ज़माने का है ये. तो आप सोच सकते हो कब का है. ये देखिए ऑटो आ रहा है, जो लोकल ऑटोस है, ऑटो वाला होता है, वो लोग लेके आते हैं. लेकिन ऊपर तक गाड़ी नहीं आते, हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, मैं और विताली. कभी भी लोनावला आओ तो यहाँ पे आ जाना आप लोग दर्शन के लिए. और कल रात को जो बारिश दिया, इसीलिए पूरा पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स आ गए हैं. क्योंकि कल इसी टाइम पे इतना गर्मी थे, धूप बहुत ज़्यादा था. अभी वो धूप नहीं है, अभी पूरा क्लाउड्स है पहाड़ के ऊपर. अभी हम जा रहे हैं और थोड़ा ऊपर है, आप देख लो. यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं माता को भेंट चढ़ाने के लिए. बहुत बहुत सारा सामान है. ये है, ये रास्ता है, थोड़ा जाना पड़ेगा ऊपर. हम लोग जाते हैं और माता के दर्शन करते हैं एक साथ. पहले हम लोग ले लेते हैं कुछ. हम लोगों ने ये लिए माता के लिए, और माता का एक फ़ोटो लिया है. बारिश के वजह से थोड़ा रास्ता आज थोड़ा पानी है, अच्छा है. लेकिन क्योंकि अगर धूप होता तो गर्मी लगता कल के जैसे. आज मौसम बहुत अच्छा है. लोनावला आओ तो वाटरफॉल्स, ये सब के अलावा कुछ दूसरे जगह भी है जो रिलीजियस प्लेसेस है, तो वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो. जैसे ये वाला एक है, ये
आप देख पा रहे हो। अंदर जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। हमको एटलीस्ट 30 मिनट्स लग गया, लाइन पे थे, अभी जा रहे हैं। इसे मंदिर के भीतर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर पे ये लाइव दिखा रहा है। आप लोग दर्शन कर लीजिए माँ का दर्शन। अंदर माँ है, माँ का दर्शन अंदर हो रहा है। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, दर्शन हो गए हम लोग का, आप देख पा रहे हो। और ये जाने का रास्ता देखो। सो हम लोग का दर्शन हो चुका है और कैमरा अलाउ नहीं था अंदर पे। तो ये जो
पुराने लोग बोलते हैं कि पांडवों ने बनाया था, और जब वो लोग वनवास में थे, जैसे मैंने पहले ही बोला था, तो इसी पहाड़ के अंदर थे ये लोग, इसी पहाड़ में थे और तभी उन लोगों ने एक बीरा माँ का जो मंदिर है एक रात में बनाया था। उसके बाद टाइम यू नो द एंशिएंट किंग्स दे हैव रिनोवेटेड द टेंपल, और हम लोग का भाग्य है कि हम लोग का ये दर्शन हो चुका है। और ये पहाड़ के एकदम बहुत ऊपर है और बहुत ही सीनिक लोकेशन में है। ये आप लोकेशन देख सकते हो, बहुत ही सीनिक है ये लोकेशन। During festivals Navaratri and Chaitra, the Koli people climb the tall mountain which has 350 plus man-made steps to reach the temple and worship Ai Ek Bira. We have also climbed almost 350 plus man-made steps to reach this destination. This is a beautiful place, and along with the Karla caves. These caves behind me were excavated from 1st century to 5th, 6th centuries. The Karla cave is the largest Hinayana Buddhist site in India. Karla caves is one of the most famous Buddhist rock cut cave sites in India, with only 15 caves within. The main Chaitra Griha is one among the largest in India. जितना भी पत्थर से बनाया हुआ है, कटिंग करके पत्थर में, दिस इज़ अनबिलीवेबल गाइस, यू कैन सी अनबिलीवेबल गाइस। This well-known Buddhist rock-cut caves have one of the largest prayer hall with a stupa inside in India, known for its architectural style. It is said that the monks decided to build their shrine here because Karla was a natural cave and was therefore ideal for excavation. Thank you.
देखिए विताली क्या बोल रहे हैं उनको, उसको ना ये खाना है, हम लोग पकौड़ी बोलते हैं, बेरीज, छोटा बेरीज उसको चाहिए, जो नमक देके बनाते ना, चीनी नमक देके, और ये अंदर भी है, ये जो केव है अंदर भी है, यहाँ से जा सकते हैं, ये सीढ़ी है, लोग जा रहे हैं, ये अंदर भी है। आप लोग इमेजिन करो कैसे रहेंगे, रहा होगा ये लोग यहाँ पे, और मतलब अंदर अभी जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है, आप देख पा रहे हो कैसे क्लाउड्स सारे पहाड़ के ऊपर आ चुका है। हम लोग दोनों हैं यहाँ पे और अभी हम लोग निकल रहे हैं, और कभी भी लोनावला आओ, जैसे मैंने बोला, प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस, दिस इज एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट, भगवान का भी दर्शन हो जाता है और एंशियन हिस्ट्री का भी पता चलता है। तो चलिए, और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, फिर से नया वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।